शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को गढ़चिरौली जिले के दौरे पर आए थे। शिंदे का यह पहला दौरा था। पालक मंत्री के तौर पर गढ़चिरौली जाने से पहले उन्होंने नागपुर विमानतल पर पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शनिवार को गढ़चिरौली जिले की समीक्षा बैठक ली जाएगी। इसमें कोविड से लेकर सभी विषयों पर चर्चा कर उपाय योजना किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले गढ़चिरौली में कोविड प्रभाव नहीं था, लेकिन बाहर से लोग आने से जिले में अब वहाँ भी कोरोना संक्रमण हुआ है। गढ़चिरौली का एक आढ़ावा बैठक देखी आज है कोविड के संदर्भ में ज्या ज्या उपाय योजना के लिए माहिती घेने आणखी नवीन का अपने करना की आवश्यकता है त्या देखील करना चाहिए सूचना देने एकंदरीत गढ़चिरौली सुरुवातीला फार कमी अतिशय प्रमाण होतं, परंतु जेव्हा इतर जिल्ह्यातली मंडळी गडचिरोलीमध्ये ये जा करू लागली त्यामुळे काही प्रमाण वाढले, परंतु गडचिरोलीमध्ये कोविड शून्यावर आणण्यासाठी या ठिकाणी जे जे काही उपाय करायचे आहेत ते नक्की या ठिकाणी केले जातील। त्याचबरोबर ज्या ज्या आणखी काही बाबी आहेत, काही प्रलंबित कामं आहेत, या संदर्भात देखील आढावा घेण्यासाठी आज मी या ठिकाणी गडचिरोलीमध्ये जात आहे। शिंदे ने विरोधी पक्ष भाजपा को सलाह दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य पर कोरोना का संकट है, ऐसे में किसी ने भी इसका राजकारण नहीं करना चाहिए। ये राजकारण करने का समय नहीं है। अभी हम पूरे अपने राज्य पर, देश पर कोविड का बहुत बड़ा संकट है, इसलिए सभी ने मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। राजकारण करने की कई अवसर आगे भी मिलेगी, लेकिन ऐसे समय पर सभी लोगों ने साथ में आकर कोविड का मुकाबला करना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर पर उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर ये कोई राजकारण का विषय नहीं, एक श्रद्धा का विषय है। ये राम मंदिर जो मुद्दा है वो राजकीय मुद्दा नहीं है, ये लाखों राम भक्तों का अस्मिता का मुद्दा है, श्रद्धा का मुद्दा है। शिवसेना और मुख्यमंत्री जब उद्धव ठाकरे साहब नहीं थे तभी भी गए थे, मुख्यमंत्री होने के बाद भी गए थे। ये श्रद्धा की बात है, ये भक्ति की बात है, ये अस्मिता का मुद्दा है। अभी देखिए, अभी जो जिसको लोकशाही में जो कहने का अधिकार वो करता है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है। और देखिए, आपने देखा है कि कोविड का भी जो संकट आया था वो अभी ये कम होते नज़र आ रहा है। उसके लिए जो भी उपाय करना है वो सरकार कर रही है।